नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आज बहुत घना कोहरा दिखाई दिया और ठिठुरन बढ़ गई। यातायात प्रभावित हुआ है, कई जगहों पर तो विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम हो गई है और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और आज सुबह से ही चाहे दिल्ली की बात कर ले, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, इन इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम दिखी और सुबह कोहरा इतना घना, अभी भी कोहरे का असर दिख रहा है, धुंध काफ़ी है और ठंड भी बढ़ती जा रही है क्योंकि बारिश भी हो रही थी बीते दिनों और ऐसे में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है और कोहरे के चलते अब यातायात भी प्रभावित हुआ है और ट्रेन भी, कई ट्रेनें जो हैं कि वो देरी से चल रही हैं कोहरे की वजह से। लोग परेशान भी हो रहे हैं क्योंकि अब देखिए घना कोहरा छाया हुआ है दिल्ली एनसीआर में, उसका खासा असर देखा जा रहा है। सुबह सुबह सड़क पर कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था और विजिबिलिटी बेहद कम, कहीं कहीं तो करीब 40 से 50 मीटर भी विजिबिलिटी नहीं थी। और ऐसे में खबर ये भी है कि तमाम जो रेलगाड़ी हैं, तमाम जो यातायात व्यवस्था है वो प्रभावित हुई है, कई रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं और इसका असर दिख रहा है। और इसी के साथ ठंड का भी प्रकोप है, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है कि अगले कुछ दिनों में अभी भी ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, यानी ये ठंड बदस्तूर ऐसे ही अभी कुछ दिनों तक और जारी रहेगी। दिल्ली एनसीआर में एक तरफ तो घना कोहरा छाया हुआ है और दूसरी तरफ ठंड भी प्रचंड है और इससे अभी फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। यूपी चुनाव की बड़ी खबर आपको बताते हैं, समाजवादी पार्टी आज वर्चुअल रैली करेगी और 11:30 बजे स्वामी प्रसाद मौर्य रैली को संबोधित करेंगे और शाम 4 बजे जूही सिंह संबोधित करेंगे और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगी। अब वर्चुअल रैली पर समाजवादी पार्टी के नेता भी उतर आए हैं, अब वो लोग भी वर्चुअल चुनाव प्रचार करेंगे। हालांकि इसके पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बोलते थे भाई वर्चुअल रैली क्या होती है, जब तक लोगों के बीच न जाएं तब तक वो कनेक्शन नहीं हो पाता है, हम चुनाव आयोग से इसको लेकर पत्र लिखेंगे। लेकिन चुनाव आयोग ने जो बैठक में फैसला किया है कि नहीं, अभी फिलहाल वर्चुअल रैली ही करिए, आप डोर टू डोर कैंपेन करिए, थोड़ी सहूलियत दी गई है, इसको देखते हुए आज वर्चुअल रैली की शुरुआत समाजवादी पार्टी कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो बीजेपी में कुछ दिन पहले तक थे, समाजवादी पार्टी में आए हैं, आज 11:30 बजे वर्चुअल रैली करेंगे और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। फिर शाम को करीब 4 बजे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जूही सिंह और महिला विंग के अध्यक्ष हैं जूही सिंह, वो फिर वर्चुअल रैली करेंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी और जीत का आशीर्वाद लेंगी और जीत का मंत्र अपने कार्यकर्ताओं को देंगी। वर्चुअल रैली समाजवादी पार्टी भी आज करेगी, आज इसकी शुरुआत की जाएगी।